हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस कट कर लिए हैं। तो मैं आपको इन सब का नाप बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ये तीन इंच का पीस लेंगे। ये एक है, ये भी तीन इंच का पीस लेंगे। ये दो हैं, ये तीन इंच के पीस लेंगे। ये तीन पीस हैं, ये 3.5 इंच के दो पीस हैं। ये 2.5 इंच के चार पीस हैं। ये 2.5 इंच का एक पीस है। ये 1.5 इंच के चार पीस हैं। ये 6.5 इंच की लंबाई है और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये हमारी 7 इंच की लंबाई है और 1.5 इंच की चौड़ाई है। ये हमारे 13.5 इंच की लंबाई है और 1.5 इंच की चौड़ाई है। ये हमारे दो पीस हैं, ये हमारा एक पीस है। ये हमारी 3.5 इंच की लंबाई है और 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये हमारी 1 इंच की चौड़ाई है और 5.5 इंच की इसकी लंबाई है। तो मैं पहले आपको फ्रेंड्स ये पीस सारे सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हमने वाइट टुकड़े इस पीस पर रख लिए हैं। तो हमारे सबसे पहले हम इनको, ये तीनों वाइट पीस मैंने एक एक पीस पर रख लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड, स्केल्स की मदद से लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद हमें अलग से सिलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है। तो मैं इन तीनों पीसों को सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये तीनों पीस हो गए हैं तैयार। हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा कट भी हो गया, ये हमारा ऐसे ओपन होगा। तो हमें इसको 2.5 इंच तैयार करना है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो इसमें, तो आप 2.5 इंच तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारा 2.5 इंच है और ये हमने इस पर रखा और ये बिल्कुल 2.5 इंच की शेप हमारे। बस ये कोने जो हैं इनको हम कट कर देंगे। तो मैं इनको काट लेती हूँ और इनको 2.5 इंच का बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बिल्कुल मैंने 2.5 इंच के हिसाब से इनको कट कर लिया है, इसको भी कट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, इन सब को छोड़ के सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगी। जो हमारे सबसे पहले यूज होगा, हम उसको मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। तो हम सबसे पहले ये पीस रखेंगे, इनको यहाँ रखेंगे चारों पीसों को। और फिर हम इनको रखेंगे, ये हमने सेट कर लिया है। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। तो ये हमारे पीस सेट हो गए हैं। तो हम पहले ऊपर का पीस सिलेंगे। इसको इस यहाँ रख कर सिलाई मार के पलटेंगे और इसको यहाँ रख कर सिलाई मार के पलटेंगे। तो मैं आपको ये ऊपर वाला पीस सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ऊपर का कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको पहले ये और ये दोनों सिल के दिखाती हूँ। तो यहाँ से इसमें सिलाई मारेंगे, इसको पलट देंगे, इसको भी यहाँ से सिलाई मारेंगे और पलट देंगे। सेम पीस यही सिलना है। तो मैं आपको ये सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों पीस सिल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, सिलाई से सिलाई को जोड़ेंगे और पिनअप करने के बाद मैं यहाँ सिलाई लगा के पलट दूँगी और सेम यही करूँगी। यहाँ से सिलाई से सिलाई को जोड़ के पिनअप करके यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ रख कर ऐसे सिलेंगे और पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर की सिल गई है और ये मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही ली थी ताकि हम इसको बाद में कट कर सकें। तो फ्रेंड, अब हम दूसरा सर्कल लेंगे, अब हम दूसरे पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ये पीस हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे हम इस पीस को यहाँ रख लेंगे। ये हमारे हो गए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लाइन लगाएंगे। हमें इसी लाइन पर सिलना है। तो मैं इन सब पीस पर लाइन लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्केल की मदद से लाइन लगा लिया। लाइन आपको हर पीस में एक ही डायरेक्शन में रखनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो इधर इधर का पीस हमने इसमें भी ऐसी लाइन लगाई है और इसमें भी ऐसी लाइन लगाई है, इसमें भी हमने ऐसी लाइन लगाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। अब क्या करेंगे हम, जो ये साइड अंदर के कोने को छोड़ के बाहर के कोने को हम कट करेंगे, तो हम थोड़ा सिलाई से थोड़ा एक्स्ट्रा साइड में कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से काटना है कि सिलाई भी ना कटे और इधर का थोड़ा मार्जिन छोड़ के हमें कट करना है। तो मैं चारों पीस कट कर लेती हूँ। ये हमारे कट हो गए। अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और थोड़ा इसको प्रेस करेंगे, तो इससे थोड़ा ये खुल जाएगा और उसमें ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे आराम से खुल गया है। इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि इसको थोड़ा प्रेस करके, ताकि इसकी सिलाई थोड़ी दब जाए और ये हमारा बिल्कुल ठीक आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, इन पीस को ऐसे रखेंगे और अब हमें ये पट्टियाँ लेनी है। ये हमने भी ले ली। अब इसको क्या करेंगे, इस पे रखकर यहाँ सिलाई लगा के इसको पलट देंगे और इसको भी यहाँ रखकर सिलाई लगाकर पलट देंगे, तो हम दोनों पीस सिल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों सिल गए हैं और जो मेरा ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने फिनिशिंग से कट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, ये लेंगे, ये हमने पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा ही ली थी ताकि हमारे में कोई छोटी बड़ी ना रह जाए, इसलिए हमने पहले ही पट्टी एक्स्ट्रा ली थी। तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। फिर हम इसको भी ऐसे करेंगे कि यहाँ सिलाई लगा कर पलट देंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी जुड़ गई है, ये जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट यहाँ से हो गया। उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हिस्सा बीच में यहाँ टच होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ रख कर मैं यहाँ एक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको रखेंगे हम साइड में, अब हम इसको सिलेंगे। ये हमने पीस ले लिया है और इसको हम इस तरीके से लगाना है और ये पट्टियाँ हमारी यहाँ जुड़ेंगी जो हमने एक्स्ट्रा ही काटी थी। सबसे पहले हम इसको यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इस तरीके से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ सिल कर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ इसको सिल कर ओपन कर लेंगे। तो हम पहले इसको सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल कर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इन पीस को लेंगे और पहले हम इनको सिल लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ और इसको भी यहाँ रख लेती हूँ। अब हमें यहाँ सिलाई लगा के इसको यहाँ से पलट देना है और इसको भी यहाँ सिलाई लगा के इसको पलट देना है। तो मैं सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। मुझे हमारा छोटा थोड़ा हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ये पीस है। अब इस पीस को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे बराबर। हमारा जो एक्स्ट्रा है वो बाद में हम कट कर लेंगे। तो हम यहाँ बीच में सेंटर से सेंटर को निकालेंगे इस चीज़ को और फिर हम यहाँ से कट करेंगे। ये मैंने चौक लगा लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। ये जो पीस है ये हमें इस तरीके से रखना है और इसे रख के ऐसे पलटना है। ये हमारा सेंटर से सेंटर आ गया। अब हम यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। जो मेरा इधर और इधर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया था वो हमने कट कर लिया है। यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा फिनिशिंग से ये हमारा पीस आ गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।